हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। शिमला मिर्च से आपने तरह तरह की सब्ज़ी बनाकर तो ज़रूर खाई होगी, पर आज जो हम शिमला मिर्च से नाश्ता तैयार करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और साथ में हेल्दी भी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो शिमला मिर्च ले लिया है और इनको पहले अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इनको हम ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं मोटे वाले ग्रेटर से कर रही हूँ, आप बारीक वाले ग्रेटर से अच्छे से इनको ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे शिमला मिर्च अच्छे से ग्रेट कर लिया है मैंने। और यहाँ पे आपको कुछ विष भी दिख रहा है, अगर आपको विष नहीं पसंद है तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। इसको अभी हम साइड में रखेंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे ये सूजी। तो यहाँ पर आधा कप मैंने सूजी ले लिया है और उसी हिसाब से एक चौथाई कप हम दही लेंगे और दही हमारा खट्टा होना चाहिए। अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे लगभग आधा कप के से कम थोड़ा सा हम डालेंगे गेहूं का आटा। ये वही आटा है जो नॉर्मल रोटी या चपाती बना कर हम खाते हैं, उसको हम डाल देंगे। और साथ में डालेंगे यहाँ पे आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, साथ में डालेंगे हरा धनिया। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप टोटली इसको स्किप कर सकते हैं। उनको डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इनका हम इस तरह से गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे सूजी को फूलने के लिए अभी हम साइड में रख देंगे। अब एक बॉल लेंगे हम और इसमें हम डाल देंगे ये शिमला मिर्च जिसको मैंने ग्रेट करके रखा था, और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है हाथों से हल्का से निचोड़ लें, फिर इसको हम यूज़ करेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे दो उबले हुए आलू। तो आलू आप चाहे तो ग्रेट करके ले सकते हैं या फिर हाथों से अच्छे से मैश करके ले सकते हैं। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक ब्रेड के स्लाइसेस। तो यहाँ दो दिन पुराना मेरा ब्रेड का स्लाइसेस था तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो इस तरह से मैं ग्रेटर की हेल्प से इसको डाल रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी जार में इसको चला के भी इसका पाउडर आप ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए हरी मिर्च, थोड़े से डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, साथ में इसमें डालेंगे हरा धनिया। और इसके बाद इसमें डालेंगे यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग मैंने डाला हुआ है जो कि 10 रुपये के पैकेट में आती है। अगर पास्ता सीजनिंग नहीं है तो आप मैजिक मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो इनका हम थोड़ा सा पोषण ले लेंगे और इस तरह से टिक्की की शेप में हम इनको बनाएंगे। तो यहाँ पे इनको और अच्छा टेस्ट देने के लिए मैंने एक चीज़ के क्यूब ले लिए जिनको छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। इनको एक पीस हम लेंगे और इनको सेंटर में रखेंगे इस तरह से, और इनको अच्छे से कवर करके इनको अच्छे से टिक्की की शेप में हम बना लेंगे। तो सारे टिक्की को हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। आप चीज़ के साथ इसे नहीं बनाना चाहते तो बिना चीज़ के भी आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे टिक्की बनके रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे हमारा जो बैटर है अच्छे से फूल चुका है, इसमें ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो थोड़े से पानी डाल के इनको हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक मैंने तवा ले लिया है, थोड़े से ऑयल के साथ इनको अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। और जो हमने सूजी का जो बैटर तैयार किया था थोड़ा थोड़ा पोषण इसके में डालेंगे, यानी कि एक से डेढ़ चम्मच के करीब इसमें हम डालेंगे और थोड़े से इनको फैला लेंगे। फैलाने के बाद हमने जो टिक्की बनाई थी इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और जो बैटर है इसके ऊपर थोड़ा सा हम इनके ऊपर इनको डाल के अच्छे से इनको कवर कर देंगे। इस तरीके से अच्छे से कवर कर लेना है और इनको हम दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। पहले अच्छे से एक साइड पक जाए तभी इन्हें पलटिए, वरना ये टूट जाएंगे। तो थोड़े से तेल ऊपर से डाल देंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए। थोड़े से तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल इस पर नहीं लगता है तो ज़्यादा तेल मत डालिएगा। साइड साइड के जो बैटर है इनको अच्छे से इस तरह से अच्छे शेप में दे दीजिएगा ताकि देखने में ये टिक्की अच्छी लगे। एक साइड पक चुका है दूसरी साइड इसी तरह से पलट देंगे, और पलटने के बाद इनको अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से सेक लेना। तो धीमी आंच पे थोड़ा पका लेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो नाश्ता है दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है, और
गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है। तो चलिए इन्हें फटाफट से हम निकाल लेते हैं और इनको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से दही ले लिया है, तो उसमें डाला है थोड़ा सा चीनी और साथ में डाला है थोड़ा सा नमक। इनको अच्छे से हम फेंट लेंगे। फेंटने के बाद यहाँ पे मैंने एक प्लेट में इन टिक्की को रख दिया है। ऊपर से डालेंगे दही, ये फेंटी हुई हमने जो दही बनाई थी वो डालेंगे, और ऊपर से डालेंगे ये थोड़े से टमाटो केचप। अगर टमाटो केचप तो हर घर में होता ही है, आप चाहे तो यहाँ पे इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि इमली की चटनी हर घर में होती नहीं है, तो आप टमाटो केचप के साथ भी इसे बना के खाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़े से डाल देंगे ऊपर से और थोड़ी सी दही और साथ में भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप चाहें तो ऊपर से हरी चटनी भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने ऐसे ही बना ली थी, और ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप लोग इस तरीके से भी खा सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं, या फिर आप चाहें तो टमाटो केचप के साथ इसको ऐसे ही बना के खा सकते हैं। आप चलिए इनको तोड़ के हम दिखाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, चीज़ी एकदम अंदर से। तो बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और आप लोग को तो पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।